नमस्कार, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। आइए देखते हैं सिद्धार्थनगर की खबर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस विभाग हर रोज राष्ट्र को समर्पित नए नए कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार की शाम पुलिस लाइन में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों, पुलिस परिवार के लोगों के साथ साथ पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने भी सहभाग किया। इस सांस्कृतिक संध्या में पुलिस विभाग के बच्चों ने जहां राष्ट्र को समर्पित गीतों को गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया, वहीं स्कूली बच्चों ने भी देश प्रेम से ओतप्रोत कार्यक्रमों को पेश कर खूब वाहवाही लूटी। इस सांस्कृतिक संध्या में छोटे बड़ों सभी ने दिल खोल कर हिस्सा लिया। सिद्धार्थनगर जिले में तैनात कई थानाध्यक्षों ने स्टेज पर आकर अपने प्रतिभा के जौहर दिखाए, तो वहीं पुलिस कप्तान ने भी जिले के अन्य अधिकारियों के साथ स्टेज पर देशभक्ति गाना गाकर तालियां बटोरी। पुलिस लाइन में आयोजित इस कार्यक्रम में कोविड-19 में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने वाले जनपद के समाज सेवियों को भी सम्मानित किया गया। पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप देशभक्ति के कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, जिससे कि आम जनमानस भी इन कार्यक्रमों से जुड़कर अपने आप को देश के लिए हर स्तर से हमेशा तैयार कर सके। हमारे स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव 11 से 17 अगस्त मनाया जा रहा है। उसी क्रम में आज पुलिस लाइन में वीर रस संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिसकर्मी और पुलिसकर्मियों के जो बच्चे थे उन्होंने वीर रस की प्रस्तुति की और उसका सफल प्रस्तुति करते हुए बहुत ही अच्छे हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।